यार आज फिजिक्स में मचाते हैं। इफ ए पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग इट इज ईदर स्पीडिंग अप और स्पीडिंग डाउन, डू यू एग्री विद दिस? है ना, अगर पार्टिकल एक्सेलरेटिंग, नो आई डोंट। बहुत से लोग एग्री कर सकते हैं बट आई डोंट, है ना, आई डोंट। तीन केस पॉसिबल है यहाँ पे, आई डोंट, है ना, ठीक है, तीन केस पॉसिबल है यहाँ पे। अरे क्या हो गया ये, ओ भैया क्या हो गया, समथिंग इज रॉन्ग। हाँ केस वन, हाँ देखो मान लो स्पीड इधर है, एक्सेलरेशन भी इधर है, तो पार्टिकल स्पीड अप करेगा, ये अपन ने पढ़ा हुआ है ना, तो हाँ इसमें स्पीड अप हो रहा है। अपन इसको तो मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है जिन्होंने लेक्चर्स करे अटेंड। हाँ भाई, अगर पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर है, एक्सेलरेशन पीछे के डायरेक्शन में, तो स्पीड कम होगी, तो पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, स्पीड डाउन। तो ये दो केस के देख के तो लगता है हाँ यार सच बात है यार, अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो या तो स्पीड बढ़ेगी या घटेगी, सही लग रहा है। पर बेटा थोड़ा सा जरा एक डायमेंशन दुनिया से बाहर निकलो, अभी तुम लोगों ने सर्कुलर मोशन पढ़ा नहीं है, पर बहुत जल्दी मैं सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा तुमको, बहुत जल्दी मैं सर्कुलर मोशन पढ़ाऊंगा तुमको। हाँ तो इसमें पार्टिकल की स्पीड यहां पर है, सर्कुलर मोशन में अपन एक चीज पढ़ेंगे, चिंता मत करना अगर अभी तुम्हें समझ में ना आया, अभी तुम्हें नहीं पता अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, अपन आगे जाके पढ़ेंगे। तो यहां पे पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहेगी, अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहेगी। कैसे रहेगी वो अपन सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, जिन बच्चों ने पढ़ा है उनको समझ में आ गया होगा। तो एक्सेलरेशन हो रहा है एंड पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, इट इज नाइदर स्पीडिंग अप नॉर स्लोइंग डाउन। सो डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? नो आई डोंट, नो वी डोंट, वी डोंट, बिल्कुल, वेरी गुड बेटा, ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर जीरो, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल।